कि एक घाट के मिशन से पढ़े गया आगे पहले आया कि सिखाने की बीमारियां भी आएगी, फिर वहां के प्रश्न पढ़ने लगे पांच में आदमी जिधर कद हो गया उसको बच्चे ये ढंग है कभी हम पांच छह टाइप के केमिकल डाले जाते हैं उसको चिकना ही खत्म करने के लिए उसकी जगह कोई अल्टरनेट क्या हो जैसे रिफाइन अब मना करे क्या यूज करे इंसान आपने दोनों चुकंदर का जूस चुकंदर का जूस दूध की सफेद तो लगेगा नहीं जैसे फिगर लगेगा दूध सफेद होना चाहिए आप पीजिए नट मिल्क बनाते हैं आराम से आप सात आठ बादाम मंगाइए रात को कम से कम आठ घंटे मिनिमम उसको दो से मल वाटर लीजिए या पास कोकोनट वाटर अवेलेबल कोकोनट वाटर मैं दूध में डाल के पीता हूँ जैसे दो चार छुहारा खजूर ड्राई फ्रूट बादाम काजू उसको हाफ लीटर एक गिलास दूध मिक्सर मिक्स कर दिया उसको जूस बना कर पी लेते हैं नहीं या जूस बनाइए या दूध दूध बनाइए सात आठ बादाम रात में भिगो दे गिलास पानी क्यों जब उसमें वाटर ही नहीं कंटेंट है तो जूस कहां से होता है जूस वो उसमें होगा जिसमें वाटर कंटेंट होगा इसमें पानी रहेगा तो जूस नहीं सकता ना ठीक है नट में आठ सात आठ बादाम लीजिए आप उसको आठ घंटे का उसमें भिगाइए और उस बादाम को छील करके सुबह सुबह या दोपहर बांध दीजिए जैसे ज्यादा अच्छा होता है दोपहर बांध देने के लिए हम लोग जो डाइट अलाउ करते हैं दोपहर बांध करने अलाउ तो उसको पानी में क्या तो आप उसको मिक्सअप कर लीजिए और दो तीन कीला डाल दीजिए सेब डाल दीजिए जो आपके पास हो जो ले सकते हो और देखिए बहुत एनर्जेटिक लगेगा आपको बहुत ही एनर्जेटिक लगेगा एक बार पी के देखिएगा फिर बताइएगा याद करेंगे हाँ ये कौन सा दूध होगा काजू डाल दीजिए दो चार डालिए ज्यादा ही डालिएगा ध्यान रखिएगा सारी की क्वांटिटी जो है आठ जैसे बोला बादाम है तो आठ ही बादाम डालिए सात आठ तो बिल्कुल आपको एनर्जेटिक लगेगा दूध से ज्यादा एनर्जेटिक लगेगा एसिडिटी वगैरह उसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए गैस एसिडिटी ये बड़ी कॉमन से है इलाज नहीं पड़ता है पेंटाप के हिसाब से एसिडिटी जाने के लिए लोग एसिडिटी की दवा खाते हैं पेंटाप भी ऐसा और जब खाते रहते हैं तो इसमें भी कहानी खत्म हो जाती है जिस डाइट पर बोल रहे हैं ना रहने के लिए उस डाइट पर रहिए सब खत्म हो जाएगा नहीं खत्म हो रहा है उसके लिए फिर एक स्पेशल डाइट बनती है फिर उसके लिए फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है अच्छा एसिडिटी मान लीजिए आपको जलन खूब हो रही है और रात का समय आप कहाँ डॉक्टर के पास दवा भी नहीं है डॉक्टर के पास जाए कहाँ आपको क्या कर गया नींबू पानी पी लेते हैं जी नींबू पानी खुद ही नींबू एसिडिटी क्या करेगा वो तो जला देगा मतलब आज में घी डाल दिया आपने उसको वो सुहा नहीं हुआ सुहा कर देगा खुद ही उसके में पोस्ट हमने बोला ना मेडिसिन अब देखिए एक तो फूड एंड मेडिसिन हो गई दूसरा पोस्टर एड ए मेडिसिन पोस्टर एज ए मेडिसिन पोस्टर चेंज करना होगा आप बाय करोड़ लेके सो जाइए
आपकी एसिड अभी अभी कम हो रही है, जल्द कम हो जाएगी, आप चेक कर लीजिए। मगर ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, आपको दवा नहीं देते, बाय 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 जाकर आजमा के देखिएगा, बताइएगा जरूर रिजल्ट जरूर देखिएगा, मुझे नहीं तो प्रिंसिपल साहब को जरूर बताइएगा कि आपके परिवार में रिश्ते नाते हो किसी भी तरह शिकायत हुई थी और मैंने उनको बाय संक्रमण लगाया, अपने वजह मुझे कंफर्ट फील कर रही है, ठीक है ना, ये जरूर बताइए। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, मेडिसिन नहीं मिलती, बस बॉडी का पोस्चर हमने सोच किया, कुछ नहीं किया, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे कोरोना पर, सर्दी खांसी जुकाम वाली बात हो रही थी, जब कोई इन्फ्लामेशन यहां पर हो गई, थ्रोट में इंफेक्शन हो गई, उसकी वजह इरिटेशन इस तरह की हो रही है, उसके लिए आप लौंग लौंग, ठीक है ना, लौंग ले सकती है, तावे भून करके उसको, जिंजर ले सकती है, चीट कर सकती है, जिंजर टी बना सकती है, भी मैं दिखाऊंगा आपको जिंजर टी बनाने के क्या बता देंगे, काढ़ा बनाने क्या तरीके बता देंगे हम, बल्कि इस तरह ले सकती है, आपको तुरंत इमीडिएट रिलीफ होना शुरू हो जाएगा जहां से लगे, ठीक है, आपको इमीडिएट रिलीफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक। हाँ बताए आपको इसकी सिक्योरिटी क्या, सर कोई क्वेरीज किसी की, सब समझ गए क्या, सब कुछ जी जी सब समझ गए जी। चुकंदर का जूस अगर लगातार पीने से उसमें स्टोन होने का डर रहता है, अभी तो मैंने कहा ना कि जब जो है कोई भी प्लांट आपको कोई बीमारी नहीं पैदा करेगा, ज्यादा मात्रा में खा लेंगे तो भी, ठीक है ना, ये भी मत खाइए, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी, कई चीज खाएंगे क्योंकि इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, इसलिए हमारे क्लाइमेट में जो पैदा होती है चीजें, मिट्टी का कलर एक ही होता है, मन बनाला उस धरती के जब वृक्ष को निकलता है फल कलर देखते कई टाइप का कलर होता है, तो प्रयास करिए तीन चार चीज को खाइए मिला करके, तीन चीज मीनू खा लिए, नहीं किसी के पास पैसा है सिंघाड़े का सीजन ले सकता, सिंघाड़े खा लीजिए, सकता सेब खा लीजिए, ले सकता केला खा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कस्टमाइज कर लीजिए, तो जो सस्ता है वो अच्छा है, महंगा चीज नहीं अच्छी हो सकती। और किसी कोई क्वेश्चन, दूसरी बात हो रही थी सांस की बात हो रही थी, खांसी की बात हो रही थी, आप पेट के बदले जाइए, आपका ऑक्सीजन सिचुएशन बढ़ जाएगा, मेरा एक पेशेंट था 45 ऑक्सीजन सिचुएशन था कोरोना काल में, ऑक्सीजन स्टैंड भी बना था उसको, वो पेशेंट मेरा मिर्जापुर में आजमगढ़ में, ये से ऑनलाइन ट्रीटमेंट मेरा, पेट के बदले जाइए, प्रोन पोजिशन बोलते हैं उसको, और कुछ डाइट मैंने बताया और कुछ चीजें मैंने बताई और बिल्कुल स्वस्थ हो गया, 62 ईयर एज, करीब 50 मरीज मेरे इस तरह ठीक हुए, और करीब 100 लोग मुझसे जुड़े थे, 50 लोग मुझसे जुड़े, 50 लोग हट गए हैं, इसलिए हट गए कि दवा ही एक इलाज मात्र है, इसलिए हमको नहीं हम छोड़ किए, बाकी लोग जुड़े कोई मरा नहीं, बॉडी सेल्फ करेक्शन करती है किसी चीज को, ये ध्यान रखेगा, अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो कोई वैसे काम नहीं कर सकती। आने वाले समय में मैंने आपको जैसे बता ग्रेड एक मैं ग्रेड एक्सपर्ट हूँ, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट बोलते हैं उसको, तो ग्रेड मतलब ग्रेविटी, जैसे बोला था पोस्टर, जैसे आप लेट गए फ्रेंड हो गए तो पोस्टर चेंज कर दिया आपने, पोस्टर मेडिसिन हो जाएगी, जैसे आपको मैं बोल रहा अभी बन गई आपको पोस्टर मेडिसिन हो गई, कोई डाइट कार्ड ले लीजिए सीधा हो जाएगी, तो पोस्टर ऐसे रिजिस्ट हो जाएगी, तो बात ही बस अजमा करके जरूर बताइएगा इस चीज को, जरूर बताइएगा, ठीक है, किसी को कोई नहीं सर, वीडियो भेज दिए, बहुत डिले हो गया, हम लोग नमाज पढ़ना रहता है, ठीक है, इसलिए मैं सर के मोबाइल भेज दिया, हम लोग मोबाइल पे देख लेंगे, डिकॉक्शन काढ़ा बताऊंगा बाद में, आप बोलिए जी, मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है, मैं फिर से आपको काढ़ा दे दूंगा, कैसे बनाना है काढ़ा।